हेलो क्लास 12। चलिए हम आगे इंडिगो चैप्टर जो है अब तक की स्टोरी जो हमने पढ़ी थी कि गांधी जी ने जीत हासिल कर ली थी वहाँ पर अंग्रेज़ों और लैंडलॉर्ड के विरुद्ध, और अब उसके आगे देखते हैं। जब शेयर क्रॉपिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी चंपारण से, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी कभी भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे कि किसी भी बात का कोई बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज। जब वो वहाँ थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए हैं। Wanted to do something about it immediately, और वो हमेशा ही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। He appealed for the teachers, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपील की कि भाई कोई टीचर आ जाएं और आके यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं। महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल एंड देयर वाइव्स, वॉलेंटियर्ड फॉर द वर्क। और जब उन्होंने अपील की गांधी जी ने, तो दो लोग टीचर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए। वो थे महादेव देसाई और दूसरे थे नरहरि पारिक। ये दोनों नौजवान गांधी जी के चेले के रूप में, डिसाइपल यानी जो चेला होता है, उसके रूप में शामिल हुए थे गांधी जी के साथ। और उनकी पत्नी भी जो थी, दोनों की पत्नियां थीं, उन दोनों ने भी वॉलंटियर यानी फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land. और बहुत सारे लोग जो थे वो काम करने के लिए अलग अलग जगहों से, कुछ बॉम्बे से, कुछ पूना से, कुछ और दूसरे दूर 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 दराज के हिस्से से चंपारण में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। देवदास गांधी, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। और इस तरह से देवदास गांधी, जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, वो आश्रम से वहाँ आ गए और साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपेंड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल यानी जिसमें प्राथमिक विद्यालय जिसको कहा जाता है, जिसमें 5वीं तक की पढ़ाई होती है, वैसे स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई जो थी गांधी जी की पत्नी, वो आश्रम के नियमों में जैसे आश्रम में नियम का पालन किया जाता था, वैसे ही यहाँ पर भी लोगों को उन्होंने पर्सनल क्लीनलीनेस यानी कि जो व्यक्तिगत साफ़ सुथरा, व्यक्तिगत तरीके से साफ़ सुथरा रहना, कपड़े साफ पहनना है ना, और साथ ही साथ कम्युनिटी सैनिटेशन यानी टॉयलेट वगैरह की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में लोगों को बताया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, यहाँ पर लोगों की जो कि स्वास्थ्य की हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर की मदद ले ली जो कि वॉलेंटियर करने के लिए तैयार हो गए 6 महीने तक के लिए। वॉलेंटियर करना मतलब कि फ्री में सेवा देना, तो एक डॉक्टर जो थे वो इस काम के लिए तैयार हो गए 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिंस वर अवेलेबल, उस समय 3 ही दवाइयाँ मिलती थीं, एक था कैस्टर ऑयल, दूसरा कुनैन और तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल हमारे यहाँ तो इसे अरंडी का तेल, अरंडी होता है एक तरह का बीज होता है, उसका तेल कहा जाता है इसको। और कुनैन तो आप जानते ही हैं जो नीम की दवाई होती है ना, नीम से बनती है दवाई। और सल्फर ऑइंटमेंट आपके यहाँ इसको, कैस्टर ऑयल को क्या कहा जाता है आप अपने घर में पूछिएगा लोगों से कि कैस्टर ऑयल किसको कहा जाता है, कौन सी तेल होती है। ये एक तरह की तेल होती है जो दवाई के रूप में इस्तेमाल होती है। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन द डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिनके मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो उसमें उनको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। और एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। और जिनको मलेरिया बुखार हो जाता था
या फिर तो क्या होता था, इनको कुनैन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनी बॉडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और जिन लोगों को चमड़े पर किसी तरह की कोई घाव या कोई तकलीफ होती थी तो उसके लिए उनको ऑइंटमेंट के साथ साथ, ये जो सल्फर ऑइंटमेंट है इसके साथ साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लोथ। गांधी जी ने नोटिस किया कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े पहनती हैं। ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबाई यानी अपनी पत्नी को कहा कि वो उनसे जाकर बात करें महिलाओं से। वन वेमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड। तब एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और दिखाया, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। आप देखो ना ही हमारे पास कोई बॉक्स है और ना ही कोई कबर्ड है जहाँ पर हम कपड़े रख सकें। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैंने पहन रखा है बस यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। वैसे तो काफ़ी लंबे समय तक चंपारण में गांधी जी रहे, लेकिन इसके बावजूद वो आश्रम जो कि बहुत दूर था गुजरात में, वहाँ पर भी वो वहाँ के काम काज पर भी नज़र रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल। और मेल से वो लगातार इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे। आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वहाँ की जो पैसे वगैरह का जो हिसाब किताब रहता है उसको भी देखा करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लैटरिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वन, अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार तो उन्होंने वहाँ के आश्रम में रहने वाले लोगों को एक पत्र लिखा और बताया कि जो पुराना लैटरिन का पहले गड्ढे होते थे लैटरिन के लिए, तो वो भर जाते थे, तो क्या किया जाता था उसको बंद कर दे, भर दिया जाता था मिट्टी से और उसके बाद दूसरा गड्ढा बनाया जाता था। तो गांधी जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि वो पुरानी लैटरिन जो है वो लगभग भर गई होगी, तो आप इसको बंद करवा देना और पहले नया खुदवा लेना, उसके बाद उसको पुराने वाले को बंद कर देना, नहीं तो वो उससे बहुत बुरी बदबू आएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी चंपारण की जो घटना थी वो गांधी जी के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने बहुत साधारण काम किया है। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये समझाया लोगों को कि ब्रिटिश जो कि एक बाहरी लोग हैं वो हमारे ही देश में रहकर हमें हुक्म नहीं कर सकते कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। चंपारण की जो घटना थी वो एक एक्ट ऑफ डिफाइंस यानी विरोध जताने का तरीका नहीं था ये। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। ये घटना इसलिए हुई कि वहाँ के लोग जो थे, जो किसान थे, वो गरीब किसान, वो बहुत ही परेशान थे और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये काम किया गया था, चंपारण सत्याग्रह किया गया था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये गांधी जी का बिल्कुल ख़ास तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियन। गांधी जी की पॉलिटिक्स जो थी वो ये थी कि ये नहीं कि सिर्फ राजनीति करो बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं उससे जुड़ी हुई थी। He was not a loyalty of abstraction, it was loyalty to living human beings. ये लॉयल्टी सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन यानी दिखावा के लिए नहीं था, ऐसे ही बस काल्पनिक नहीं था, बल्कि ये लॉयल्टी उस जीवित इंसानों के लिए था जो कि सफ़र कर रहे थे। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, मोर ओवर ई ट्राइड टू मोल्ड द न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और जो कुछ भी गांधी जी ने किया, सारी चीज़ें जो गांधी जी ने की वो इसलिए की ताकि भारतीय लोगों को एक नए सांचे में वो ढाल सकें और ताकि भारतीय भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और भारत को स्वतंत्र कर सकें। अर्ली इन चंपारण एक्शन
चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू द इंग्लिश पेसिफिस्ट हु हैड बिकम द डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी केम टू बिड गांधी फेयरवेल आफ्टर बिफोर गोइंग ऑन टू द ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड। चंपारण की घटना के दौरान एक अंग्रेज जिनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो कि एक शांतिवादी थे और गांधी जी के बहुत ही भक्त थे, वो गांधी जी से को फेयरवेल बोलने के लिए आए क्योंकि वो अपनी एक ड्यूटी के लिए फिजी आइलैंड जा रहे थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के कई लॉयर दोस्त जो थे वो उनको लगा कि एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ये सी एफ एंड्रयू जो हैं वो रुक जाएं चंपारण में और उनको मदद करें। एंड्रयू वाज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। सी एफ एंड्रयू भी तैयार हो गए थे लेकिन शर्त ये थी कि गांधी जी राज़ी हो जाएं। बट गांधी जी वॉज वेमेंटली अपोज। लेकिन गांधी जी ने बहुत इसका कड़ा विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन द अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो अनइक्वल है, अंग्रेज़ों से हमारी तुलना नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक अंग्रेज़ अगर हमारी साइड में रहेगा तो हम ज़्यादा बहुत हेल्प कर देगा वो हमारी। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये हमारी कमज़ोरी दिखाता है, यानी कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, ये भाव आपके मन में इसका मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं लड़ सकते, एक अंग्रेज़ आ जाएगा तब आपको ज़्यादा आसानी होगी लड़ाई लड़ने में। तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया कि नहीं, अंग्रेज़ों की मदद नहीं लेनी हमें। यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, आपको लगता है कि इस अनइक्वल फाइट में कहाँ गरीब किसान कहाँ अंग्रेज़, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आर साइड। आपको लगता है कि बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर एक अंग्रेज़ यानी सी एफ एंड्रयू जो है वो हमारी साइड में आ जाएंगे। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह आपके मन की कमज़ोरी दिखाता है। द कॉज इज़ जस्ट, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि हम ये चूँकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं इसलिए हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन। आपको एक प्रॉप के रूप में यानी एक हेल्प एड के रूप में सी एफ एंड्रयू को नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो एक अंग्रेज़ हैं, इसलिए तुमको ऐसा लगता है कि वो हमें मदद करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी काम करने। ऐसा तुम्हें नहीं, अपने आप पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन को बहुत अच्छी तरह, दिल दिमाग को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। गांधी इज़ दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से गांधी जी ने हमें सिखाया कि तुम आत्मनिर्भर बनो। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। इस तरह से आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स को मदद, ये सब के सब हमें एकजुट रहने में मदद कर रही किया। इन सब चीज़ों ने क्या किया, इन तीनों चीज़ों ने पूरे भारतीयों को या जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे भारतीय, उन सबको एकजुट करने में सफलता दी है। ठीक है, दिस द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आप लोग जो क्वेश्चन आंसर है इसको तो आप ज़रूर करेंगे, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, वो ये पहले भी मैं कर चुकी हूँ, आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ते रहेंगे ताकि जितने जो कुछ भी जो स्टोरी है वो आपको अच्छी तरह से पता रहे, और तब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसके आंसर लिख सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।